नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विपासना मेडिटेशन के बारे में। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और इसको शेयर करने के लिए भी मैंने 2 दिन का अप्रॉक्सीमेटली टाइम का वेट किया कि जो ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ से एक्साइटमेंट में आकर कुछ चीज़ें शेयर करूँ, उसका जो चीज़ें मेंटेन है उनको अपन एडिटेज बताएं आपको। विपासना मेडिटेशन, सबसे पहला विपासना होता क्या है? विपासना का मतलब है जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरीके से देखना, कोई उसमें अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन नहीं होता है। और इसका जो एम है, मन की शांति और मन की शुद्धि, दो एम के साथ विपासना मेडिटेशन की जाती है। इसके हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ और ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि मेडिकली हम बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पुराने कर्मों के कुछ संकट भी हमारे कटते हैं, वो सब चीज़ें प्रोसेस का पार्ट है। बट एक्चुअली में मन की शांति, मन की जो व्याकुलता है उसको हम लोग शांत करें, ये विपासना का सबसे बड़ा एम है। इसके लिए 12 दिन का विपासना का एक शेड्यूल रहता है, जिसमें 10 दिन का प्योर कोर्स होता है, पहले दिन रजिस्ट्रेशन और आखिरी दिन डिपार्चर, ऐसे करके 12 दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन है वहाँ की इवनिंग की 8 o'clock से लेके 10th डे के मॉर्निंग तक 11 o'clock तक आर्य मौन का पालन करना होता है। आर्य मौन मतलब आपको मौन तो रहना ही है, प्लस आपको वहाँ पे जो आपके साथ में पार्टिसिपेंट्स आए हैं या कोई भी अन्य पर्सन जो वहाँ पर अवेलेबल है, सेवा के लिए है, कोर्स के लिए है, उसके साथ में आप थ्रू बॉडी पोस्चर के थ्रू भी, बॉडी पोस्चर के साथ या बॉडी साइन के साथ भी बात नहीं कर सकते, आई कॉन्टैक्ट आप नहीं बना सकते, इस तरह के कुछ नियमों का पालन करके। इसके अलावा भी पंचशील वहाँ पे रहते हैं, अष्टशील वहाँ पे होते हैं, तो उन सब चीज़ों का पालन करते हुए आपको ये पूरी मेडिटेशन का जो सेशन है वो कवर करना है। तो इस मेडिटेशन में ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का पर डे का शेड्यूल रहता है, जिसमें इन टेन डेज के अंदर में पहले 3 दिन आपकी बॉडी को विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लायक बनाया जाता है। 3 दिन आपको इस तरह की प्रैक्टिस दी जाती है कि आपकी बॉडी निर्मल हो, शुद्ध हो, फोकस्ड हो, ताकि आप विपासना को अपने अंदर ले सके, उस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। इसके लिए जो खाना बनाने वाले जो लोग रहते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उन सबको भी वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने पहले 10 डेज का कोर्स अटेंड किया है, ताकि उसमें भी वो निर्मलता रहे बनाते हुए। और यहाँ के भोजन में ज़्यादा मसाले यूज नहीं होते हैं, सॉफ्ट सौम्य भोजन दिया जाता है। उनका भी एक सेट पैटर्न है कि आपको मॉर्निंग में 6:30 बजे एक ब्रेकफास्ट रहेगा, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट रहेगा, 11:30 के आसपास थोड़ा सा हैवी भोजन आप ले सकते हैं, और चाय का स्नैक्स का टाइम 5:30-5:30 के आसपास आप स्नैक्स का टाइम वहाँ पर रहता है। तो इस पैटर्न में एक वहाँ पर इसी पैटर्न में 9 से 10 दिन का जो शेड्यूल है वो उसी पैटर्न में फॉलो होता है। अब मैं आपको कुछ ग्लिम्स मेरे जो अपने मेडिटेशन कैंप में जाने के लिए मुझे मिले तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो फर्स्ट डे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद आपसे मोबाइल जो है वो डिपॉजिट में ले लिया जाता है, और 10th डे के आफ्टरनून में आपको दिया जाता है। तो थोड़ा सा टाइम आपके पास रहता है मोबाइल यूज करने के लिए, लेकिन वो बीच के 9 डेज जो हैं आपके फर्स्ट 9 डेज प्रॉपर, वहाँ पर आपके पास मोबाइल का एक्सेस भी नहीं रहता है। तो ये कुछ फ़ोटो जो हमने लास्ट डे पे कैप्चर किए, जिसमें कि आपको मैं अपना कैंटीन एरिया, मतलब बेसिकली डाइनिंग एरिया जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से डाइनिंग्स वहाँ पे रहती है। इसके अलावा हमारा जो रूम्स अलॉट हुए थे, और जो ओवरऑल एक सेरेनिटी था नेचर का, कितना अच्छा प्यारा एक सेरेनिटी आपको वहाँ पर दिखेगा। एवरी डे आप एक्चुअली में सनराइज सनसेट सब वहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग 4:30 से आपका शेड्यूल है, तो 6:30 जब आप हॉल से बाहर निकलेंगे तो बहुत प्यारा सनराइज आपको वहाँ पर दिखेगा, और जैसे जैसे आप इवनिंग स्नैक्स का टाइम आएगा तो आपको सनसेट का भी एक प्यारा सा मतलब सीन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और आपको किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना रहता है, और एक साधु की तरह वहाँ पर रहते हैं, और जो भी खाना आपको मिलता है वो इस तरीके से आपको एक साधु के भाव से वहाँ पर लोग खिलाते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। और इतने सारे लोग धर्म सेवक के फॉर्म में भी वहाँ पर आते हैं कि हर जगह हर स्टेप पर आपकी सेवा करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, गाइडेंस करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही क्या बोलेंगे, पीसफुल एक्सपीरियंस वहाँ का है, और इसको हम लोग अपनी लाइफ में जब प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी जो है, एफिशिएंसी जो है,
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत एडवाइजेबल है कि आप भी इस साधना में एक बार पार्टिसिपेट करें, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप हमें इस पर शेयर कीजिए। और यदि आपने इससे पहले विपासना की है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो पर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। सबका मंगल हो, सबका मंगल।